सो गाइस, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विवियान डिसेना और सुकृति कांडबाल प्यार की एक कहानी के बाद से अभी तक हमें कहीं भी नजर नहीं आए हैं, जबकि लोगों ने इनकी केमिस्ट्री को, लोगों ने इनकी लव को, लोगों ने मतलब इनके किरदार को खूब पसंद किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद ये नज़र नहीं आए। तो गाइस, क्या वजह है कि ये सामने नज़र नहीं आए? तो गाइस, वजह यह है कि एक साल ये इसलिए नज़र नहीं आए कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनको उसके बाद मिला ही नहीं जिसमें विवियान डिसेना और सुकृति कांडबाल हमें एक साथ नज़र आती हैं। सुकृति कांडबाल और विवियान डिसेना दोनों ने ही यही कहा कि हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला कि जिसमें हम एक साथ नज़र आए। वैसे तो प्रोजेक्ट बहुत मिले जिसमें इन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं था जिसमें हम साथ नज़र आते। लेकिन बात गाइस यहाँ आती है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कहीं तो होगा का सीज़न 2 आ रहा है जिसमें हमें राजीव खंडेवाल तो आमना शरीफ भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि उसमें पुराने किरदार नज़र आए या नए किरदार? अगर नए किरदार में आएंगे तो क्या पता विवान डिसेना और सुकृति कांडपाल ही हमें नज़र आ जाए। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि कहीं तो होगा सीज़न जो 1 था उसमें राजीव के और आमना शरीफ के बहुत ज़्यादा फैंस फॉलोइंग थे, और वह भी यही चाहती हैं, यही चाहते हैं कि इसका सीज़न 2 आए तो हमें राजीव और आमना शरीफ ही नज़र आए। लेकिन गाइस, सुनने में तो यही आ रहा है, उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि अगर इसका सीज़न 2 आएगा तो विवान डिसेना और सुकृति कांडपाल को ही लिया जा सकता है। जी हाँ, मेकर्स ने शायद डिसाइड किया है कि पुराने कास्ट को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुराना कास्ट काफ़ी टाइम हो गया है। 2007 को इसका लास्ट एपिसोड आया था, तो गाइस काफ़ी अरसा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब 12-13 साल हो गए हैं, इसलिए मेकर्स ने डिसाइड किया है कि हम कहीं तो होगा का सीज़न 2 तो लाएंगे पर पुराने किरदार में शायद हमें कोई नजर ना आए, सारे नए नए किरदार ही हमें नजर आ सकते हैं जिसमें से विवान डिसेना और सुकृति कांडपाल का नाम सुनने में आ रहा है कि ये दोनों हमें कहीं तो होगा सीजन 2 में नजर आ सकते हैं। बाकी गाइस, आपको क्या चाहते हैं कि आप कहीं तो होगा सीजन 2 में आमना शरीफ और राजीव को ही देखना चाहते हैं, या आपको नए किरदारों में विवान डिसेना और सुकृति कांडपाल सही लगेंगे एज अ कपल? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कहीं तो होगा सीजन 2 के लिए मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा।